इस पर राइड करने का ना कुछ अलग ही मज़ा होता है यार। आप सिटी वगैरह में राइड करोगे ना तो ये आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा दिएगा इतना कि अपने सिटी में जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज। What's up everyone, welcome back to the channel, welcome back to the new fresh video guys with a new fresh vlog। स्वागत है गाइज आपका एक और नए बढ़िया से बेहतरीन वाले वीडियो में गाइज। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है थोड़ा सा अपने घर से बाहर साइड से गाइज, और गर्मी चेक मारो एक बार। ये जो सूरज है ना गाइज ना भाई बिल्कुल ही सर पे आ चुका है। सो अभी बज रहे हैं 12:04 का समय हो रहा है और गर्मी ना बढ़िया हिसाब से पड़ रही है गाइज। सो पहले जाना है गाइज अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है क्योंकि इसमें पेट्रोल वगैरह है नहीं। सो काफ़ी टाइम हो चुका है अब अपने को बजाज एवेंजर के ऊपर वीडियो वगैरह बनाते हुए। KTM पे अपने इतने ज़्यादा व्लॉग वगैरह नहीं बन रहे, KTM बहुत ही कम निकल पा रही है। और सही बताऊँ ना गाइज इस पर राइड करने का ना कुछ अलग ही मज़ा होता है यार। आप सिटी वगैरह में राइड करोगे ना तो ये आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवा दिएगा, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कि आप ना इस बाइक के अलावा और कोई बाइक राइड करना चाहोगे ही नहीं यार। तो बात क्या है ना कि अपने सिटी में जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना तो ये बाइक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गाइज कि आपको ना बिल्कुल भी थकान नहीं होने देती है ये बाइक, चाहे वो राइडिंग पोस्चर से लेके हो चाहे वो कंफर्ट से लेके हो किसी भी तरीके से हो गाइज, आपको ना बढ़िया तरीके से ना ये हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है गाइज। सो आज बात करेंगे इसके कंफर्ट की और इसके परफॉर्मेंस की कि ये बाइक किस तरीके का रोल प्ले करती है एक सिटी राइडिंग को लेकर। तो सिटी राइडिंग के पर्पज़ से ना ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है यार। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब कंजस्टेड एरिया है, सो गाइज़ ये इसकी जो सिटिंग स्टाइल जो है ना वो ऐसा है कि यार आप ऐसा लगेगा कि आप एक ना सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हो। और जो हैंडल बार को अगर थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन या फिर अपग्रेड कर लोगे ना तो ये चीज़ें ना और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएंगी गाइज़। सो अगर गाइज़ मेरे को इसके कंफर्ट को लेकर अगर रेटिंग के लिए बोला जाए ना कि ये रेटिंग इसमें क्या देनी चाहिए तो मैं आपको 10/10 इसकी रेटिंग दूंगा कंफर्ट को लेके, क्योंकि कंफर्ट के मामले में ना गाड़ी एक नंबर है। आप कहीं भी लेके निकल जाओ, चाहे आप सिटी में राइड करते हो चाहे सिटी में लेके निकल जाओ। अगर आप टूरिंग वगैरह करना चाहते हो ना हाईवे वगैरह पे अगर इसको राइड करना चाहते हो ना गाइज, हर तरीके से ना वन ऑफ द बेस्ट बाइक है यार ये। हर तरीके से मतलब ये मान लो कि आप कहीं भी निकल जाओ यार, आपको एक तो बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस देने वाली है ये बाइक और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाली है, ठीक है। स्पेशली मैं यूँ नहीं कहूँगा कि यार देखो रेसिंग को लेके ये बाइक इतनी बढ़िया है या फिर आप मतलब थोड़ा सा एग्रेशन तरीके से अगर बाइक को चलाते हो ना तो उस सिचुएशन में ना ये बाइक ये देखो उस तरीके के लिए है नहीं। आप सिर्फ डिसेंट सी राइड कर सकते हो इस पर 70-80 अगर आप भगाना भी चाहते हो ना गाइज तो बस इतनी तो आप भगा सकते हो और उससे ज़्यादा आप इसको गाइज नहीं चला सकते। तो गाइज अपना यही मोटो रहेगा कि इस बाइक को ना सिर्फ कंफर्ट और परफॉर्मेंस के लिए ही चुना जाए। परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं कि आपको ऐसी है कि बिल्कुल ये गाड़ी बिल्कुल स्पीड वाली हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल डिसेंट स्पीड में चलने वाली बाइक है। सो आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं तो उस तरीके से, क्योंकि इसका माइलेज वगैरह भी नहीं उसी हिसाब से आपको ये देगी। अगर देखो फालतू में अगर इसको अगर बात करते हैं गाइज कि ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए, कौन कौन से बंदे ऐसे हैं जिनके लिए परफेक्ट गाड़ी होने वाली है ये। सो स्पेशली मैं बोलूँगा कि देखो अगर आप ऑफिस वर्कर हो ना तो आपके लिए बेस्ट गाड़ी होने वाली है, स्टाइल के मामले में भी और थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाता है इस बाइक में। सबसे मेन बात यह है कि स्पेस इसमें अच्छा खासा गाड़ी में मिलता है कि आप ये मान लो कि अगर जरा ट्रिपलिंग का तो देखो हिसाब मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये है कि 3 बंदे आराम से इजीली इस बाइक पे बैठ सकते हैं गाइज और आराम से इस बाइक को ना कैरी कर सकते हो। जैसे कोई ज़्यादा भीड़ वगैरह हो जाती है, स्टक जाम में अगर फंस जाते हो ना आप, तो इसकी सीट हाइट इतनी है ना कि गाइज आप ईज़िली अपने दोनों पैरों को दोनों पैरों से आप बाइक को ना के आराम से संभाल सकते हो यार। ये वाली चीज़ तो देखो बहुत ही बढ़िया है इसमें। और कई बाइक ऐसी होती है ना जिसकी सीट हाइट वगैरह ऐसी होती है तो एक पैर अपना गाड़ी के फुटरेस्ट पे होता है, एक पैर रोड पे होता है, तो उसमें कभी कभी क्या होता है ना पैरों वगैरह में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा जाम वगैरह होता है ना तो बार बार पैर को नीचे रखना पड़ता है रोड पर। तो उन मामलों में ना ये बाइक यार बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपको ना तो ज़्यादा गाइज पैरों से एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, ईज़िली आप बाइक को रोक के दोनों पैरों से आप खड़े हो सकते हो, कोई भी ना ज़्यादा टेंशन होने की ना कुछ होने का। भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। सो गाइस अगर आप कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मन में हो या फिर क्या नाम है आप इस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो ना तो आप इजीली मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का मेरा पासवर्ड है, तो इंस्टाग्राम आईडी मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं गाइज और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी ना तो आप मेरे से डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं उसका हर एक रिप्लाई दूंगा गाइज। और एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी दोनों तरीके की चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ अगर आप लेने जा रहे हैं तो इन चीज़ों में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और बाकी बाइक ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया है। अगर एक स्पेसिफिक अगर एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो बाइक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मतलब इस सेगमेंट की गाड़ी में ना 160 ठीक है 150 के सीसी के ऊपर का एक इंजन आपको मिल रहा है गाइस, और क्या चाहिए। और बढ़िया कंफर्ट, बढ़िया माइलेज वगैरह, बढ़िया स्टाइलिश बाइक वगैरह मिल रही है आपको, तो ये वाली चीज़ है इस बाइक में। और बाकी अगर गाइस वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट ब्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून स्टे वॉच गाइस। तो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।